कर्नाटक जीत के बाद क्या सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आज सरकारी कर्मचारियों के लिए। जैसे कि कर्नाटका राज्य का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीत चुकी है और अब कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का तोहफा देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का वादा किया था। तो अब कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों की इस बड़ी मांग को पूरा करेगी। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला है या फिर नहीं। और दोस्तों, उसी के बाद इसी कड़ी में ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने आज कर्नाटक राज्य के आए चुनाव के नतीजों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राज्य में पूर्ण रूप से प्राप्त बहुमत और भारी जीत के लिए अपनी बधाई दी और कहा कि इस बार कर्नाटक राज्य के चुनाव के नतीजों में केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि आज के समय में नए भर्ती हुए केंद्रीय और राज्य के सरकारी युवा कर्मचारियों में नई पेंशन योजना को लेकर सरकार के खिलाफ जो भारी रोष था वह खुलकर इस चुनाव में सामने आया है। इससे पहले भी कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों ने राज्य सरकारों को बदल दिया है, तो इसी कड़ी में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना बहाली का मामला मुख्य रूप से शामिल किया था, जिसके अनुसार सभी केंद्रीय एवं राज्य के युवा कर्मचारियों और परिजनों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने का काम किया, जिससे कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली है और आशा है कि आने वाले अन्य राज्यों के चुनावों में इसका असर पड़ेगा और पुरानी पेंशन योजना बहाली का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहेगा। महामंत्री ने आगे कहा कि इस चुनाव में आए नतीजों को देखते हुए वर्तमान सरकार को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में अवश्य सोचना चाहिए और इसे तत्काल बहाल करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों में सरकार के प्रति व्याप्त रोष समाप्त हो। तो अब यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी कि सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि जो भी घोषणा कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले की है उनको पहली कैबिनेट मीटिंग में लागू कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की एक और बड़ी मांग पुरानी पेंशन योजना की पूरी होने वाली है। इसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।